ओम शांति। सब बोलिए ओम शांति। वो हमारी आत्मा का पिता है। जैसे आत्मा का पिता, जैसी आत्मा होगी वैसे उसका पिता होगा। चिड़िया का बच्चा कैसा होगा? चिड़िया जैसे ही होगा ना। आत्मा का पिता, आत्मा सूक्ष्म बिंदु है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, एक लाइट स्वरूप है। उसका पिता भी कैसा होगा? राम होगा, कृष्ण होगा, हनुमान होगा? नहीं होगा। उसका पिता भी, वो भी सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। तो उसको जानो हमारा पिता है कौन, तभी तो प्रीति जुटेगी, तभी तो उससे प्राप्ति होगी। इसलिए सत्संग का महत्व तो है। हम उन सत्संगों में जाने लगे जहाँ देहधारी बैठे हैं गुरु महात्मा बन के, वो झूठ का संग है। सत्य परमात्मा का संग नहीं है। कहेंगे गुरु जी ने सुनाया, महात्मा जी ने सुनाया, लेकिन यहाँ सुनाने वाला कौन है? जो दिखाई नहीं देता है। एक लाइट है, एक नूर है, जो दिखता नहीं है। एक साधारण मानव के तन में आकर के वो अपना सत्य ज्ञान गीता का आकर के हम बच्चों को क्या कर रहा है? दे रहा है। इस ज्ञान से ही मुझ आत्मा का क्या होगा? कल्याण होगा। क्योंकि शिव माना ही उसका नाम देह पर नहीं है, उसका नाम है आत्मा पर, परमात्मा, परमात्मा। उसका नाम ही शिव है। शिव माना कल्याणकारी, जो सारी विश्व सारी धर्म की आत्माओं का क्या करता है? कल्याण करता है। आया हुआ है, अभी तो उसका जाने का भी समय नज़दीक आ गया है। इसलिए समय को पहचानो। किसान भी समय को जानते हैं ना, उनको भी ज्ञान है किस समय कौन सी फसल बोनी है। ये समय बहुत अंत के भी अंत का चल रहा है। हमें श्रेष्ठ कर्म की फसल क्या करनी है? बीज बो देना है, जो हमारे साथ जाए।